रबर की खेती की भी वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज दिखाने के लिए आया हूँ केरला की ईंटें किस तरह से बनती हैं। आपने केरला में घर देखे होंगे, लेकिन वो किस तरह के घर होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये ईंटें किस तरह से बनती हैं। आप देख सकते हैं, ये ईंटें हैं केरला की, जो बहुत बड़ी ईंट हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं। तो मैं अब ये किस तरह से बनती हैं मैं वो आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, मैंने आपको ये सब दिखाया कि यहाँ पर पत्थर कैसे बनाया जाता है, ईंट कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ केरला में कितना रेट होता है एक ईंट का, और गाड़ी में ले जाने के लिए कितना होता है, मैं इनको ये भाई बताएंगे। इनका नाम उबाइचा है, तो ये हमारे पास में है, बहुत अच्छे आदमी है, तो ये बताएंगे। हाय, ये पत्थर का रेट 20 रुपए, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज सब 5 किलोमीटर के अंदर, दूसरा जाए तो 1 किलोमीटर के 1 रुपए ज्यादा है। और ये लोग को कितने मिलते हैं इनको?
काम करने के लिए? एक दिन 5 रोड सकता है, 5 रोड हमारा 1000 रुपए सकता है लोडिंग अनलोडिंग चार्ज। 1000 एक आदमी को? हाँ, 1000 रहता है। थैंक यू। ओके, तो दोस्तों मैं घर आ गया हूँ। वहां पर मैं ज्यादा बोला नहीं क्योंकि बहुत साउंड था, बहुत आवाज आ रही थी। दोस्तों मेरे चैनल पर एक रबर की खेती की वीडियो भी है, केरला में किस तरह से रबर की खेती होती है, जो हम जो टायर बनते हैं उसके लिए रबर कहाँ से आती है वो मैंने दिखाया दोस्तों, तो वो भी हमारे चैनल पर वीडियो है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, आप देख लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।